सीबीएसई के स्कूल्स ने क्या अपडेट लाया है, क्या अपडेट लाने को सीबीएसई जो बोर्ड है उनसे जो एफिलिएटेड स्कूल्स हैं उनको क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं एनईपी लागू होने के बाद, इस पर हम बातचीत करेंगे आज। जो क्लासेस पर क्या इफेक्ट पड़ा है, क्लासेस में क्या चेंजेस लाए गए, एफिलिएशन पे क्या चेंजेस आएंगे एनईपी लागू होने के बाद, तो ये डिटेल में इस पर बात करेंगे हम। तो वीडियो में बने रहें एंड तक। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर दें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉइस वर्ल्ड, होप यू ऑल फाइन। तो जैसे आप लोगों को पता है एनईपी 2020 जो है वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, और आने वाला जो साल है मतलब ये वाला जो ईयर अब सेशन शुरू होगा 2023-24 वाला सेशन, उसमें ग्रेजुअली सभी स्कूल्स एनईपी के जो रूल्स हैं उसको लागू कर रहे हैं, और सभी जो बोर्ड्स हैं वो ग्रेजुअली सब स्कूल्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि किस तरह से स्कूल्स को चेंजेस लाने हैं, अपना जो भी स्ट्रक्चर है उसमें जो क्लासेस हैं उसमें किस तरह से चेंजेस लाने हैं, इस पर जो है समय समय पर इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। तो अभी जो लेटेस्ट अपडेट है सीबीएसई के लिए स्कूल्स को वो ये है कि जितने भी स्कूल्स, कई सारे ऐसे स्कूल्स होते हैं जो क्लासेस 1 से चलते हैं, 1 to 8 हो गया, या 1 to 10 या 1 to 12, उसमें प्री नर्सरी नर्सरी केजी ये वाली क्लासेस नहीं होती हैं, जो क्लास 1 के पहले की जो क्लासेस होती हैं। तो एनईपी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 1 के पहले जो है 3 ईयर्स की स्कूलिंग जिसे कि प्री स्कूलिंग की कैटेगरी में रखा गया है, ये ज़रूरी है कि सभी स्कूल्स उसमें उसको चलाएं, और ये इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ जो है आपका जो क्लासेस का स्ट्रक्चर है उसमें इंक्लूड किया गया है। जो भी स्कूल्स में ये क्लासेस नहीं होती हैं उनको इन क्लासेस को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा गया है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का बनाएं कि ये 3 क्लासेस भी इंक्लूड हो जाएं। और जो है कई सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें ये क्लासेस हैं मगर वो एफिलिएटेड नहीं हैं। देखिए जो एफिलिएशन होता है किसी भी बोर्ड से, चाहे वो सीबीएसई हो, स्टेट बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, वो क्लासेस 3 ऑनवर्ड्स होता था पहले। अब एनईपी लागू होने के बाद जो नर्सरी केजी की जो क्लासेस हैं, जो 3 क्लासेस हैं क्लास 1 के पहले, वो क्योंकि इम्पॉर्टेंट हो गई हैं तो सभी स्कूल्स को एफिलिएशन भी लेना होगा इन क्लासेस के लिए। तो सीबीएसई ने ये निर्देश दिया है, ये इंस्ट्रक्शन दिया है सभी स्कूलों को कि जिनके पास ये क्लासेस ऑलरेडी हैं और उन्होंने एफिलिएशन नहीं लिया है वो एफिलिएशन ले लें इन क्लासेस का, और फिर वो अपनी क्लासेस को पढ़ाएं। तो जिन स्कूल्स के पास ये क्लासेस नहीं उनको धीरे धीरे करके ये क्लासेस इंट्रोड्यूस करनी है, और जिनके पास ऑलरेडी हैं उनको एफिलिएशन लेना है। ये जो है क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस अब हो गई हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं पहले भी होती नहीं। अब जो है KVS स्कूल्स में भी काफ़ी सारे ब्रांचेज में ये 3 क्लासेस इंक्लूड कर दी गई हैं। पहले ये होता था कि क्लास 1 से ही KVS में एडमिशन्स होते थे, बट अब जो है बाल वाटिका करके इंक्लूड किया गया है, नर्सरी KG की क्लासेस भी ओपन की गई हैं। तो ऐसे ही CBSE से एफिलेटेड जितने भी स्कूल्स हैं उनको भी, अगर जो स्कूल्स नहीं चला रहे हैं ये क्लासेस, उनको ये ज़रूरी हो गया है कि वो ये क्लासेस को इंक्लूड करें और एफिलिएशन लें। और भी CBSE ने काफ़ी सारे अपडेट्स किए हैं, हाइजीन से रिलेटेड हो गया, सेफ्टी से रिलेटेड हो गया, स्टाफ हेल्थ, क्लासरूम्स, प्ले एरिया से रिलेटेड क्या क्या स्पेसिफिक चेंजेस स्कूल्स को लाने हैं, जो रूल्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग स्कूल्स को इन सारी चीज़ों में चेंजेस करने हैं। और जैसे कि मैंने बताया एफिलिएशन का जो है वो लॉ चेंज हो गया है, एफिलिएशन जो क्लास 3 से किया जाता था वो अब नर्सरी KG से किया जाएगा। प्री नर्सरी नर्सरी और KG ये 3 क्लासेस जो क्लास 1 के पहले भी, और क्लास 1 और क्लास 2 का भी एफिलिएशन अब ज़रूरी हो गया है, तो ये सभी स्कूल्स को करना होगा। अब सभी स्कूल्स, कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जो बिना एफिलिएशन के ये क्लासेस को चला सके। धीरे धीरे जो है, अब एकदम से तो नहीं ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट होगी, धीरे धीरे स्कूल्स अपने हिसाब से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगा, और यही सेशन से ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होने वाली हैं। तो बहुत सारे चेंजेस अब इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, CBSE के जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं, अपडेट्स आते हैं, तो मैं स्टडी करती हूँ कि किस तरह से क्या चेंजेस स्कूल्स में आ रहे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है और NEP को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो यही अपडेट मुझे आज आपको देनी थी कि किस तरह से क्लासेस का जो है ये चेंजेस किए जा रहे हैं, और ये ज़रूरी हो गया सभी स्कूल्स को इम्प्लीमेंट करना। आई होप कि जो भी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं वो बेटरमेंट के लिए हो, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए अच्छी अच्छा हो, और उनकी स्कूलिंग की जो लाइफ है, जो जर्नी है, वो बेहतर तरीके से हो पाए। वीडियो पसंद आया होगा तो डू हिट द लाइक बटन, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, किसी ना किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।